नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सज्जनंद। मैं करीब एक साल से बेंगलोर में इस अपार्टमेंट में रह रहा था और ये अपार्टमेंट तो किराए का है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने इस अपार्टमेंट का जो है आपको टूर कराना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मेरा अपार्टमेंट कैसा है। तो मैं आज आपको अपना अपार्टमेंट दिखाने जा रहा हूँ। ये इसका एक मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है। जब हम अंदर घुसते हैं तो सबसे सामने में यहाँ पे जूता का स्टैंड लगा हुआ है, देख सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने लिया है, थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन इसमें करीब करीब मेरे जूते आ जाते हैं अच्छी तरह से। अब चलिए, अब मेरा ये मेन एंट्रेंस है। अब देखिए, मेरी वाइफ यहाँ पे खड़ी है। सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाता हूँ। जो कि बहुताई संभालती है मेरी, जो कि मेरी वाइफ ही संभालती है किचन। किचन तो काफ़ी छोटा है, लेकिन चूंकि इसे बालकनी जुड़ी हुई है तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। चूंकि बेंगलोर में मौसम तो अच्छा रहता है, इसलिए उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। ये एक प्रेस्टीज का चूल्हा हम लोगों ने लिया है, और किचन से एक विंडो भी है जो उधर स्टेयर केस की तरफ खुलता है, तो सीढ़ी से कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है जो कि प्यूरिट का है, और एक साल पहले ही हम लोगों ने लिया था। यही है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन हम लोग रखा है। वॉशिंग मशीन एलजी का है और करीब 3 साल हो गया हम लोग को परचेस किए हुए, लेकिन अभी भी ठीक अच्छे काम करते हैं। और ये एक थोड़ी सी बालकोनी है और इससे जो है रोड दिखाई देता है। और यहाँ पे ठीक सामने जो है वो मेन रोड है, वो दिखाई दे रहा है। तो 3-4 मकान के बाद ही मेन रोड आ जाता है। और पीछे साइड में ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है, देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। ये सब सारे सामने के मकान दिखाई दे रहे हैं, वो सामने मेन रोड। वापस चलता हूँ ड्राइंग रूम की तरफ। किचन में ये वार्डरोब बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे सामान जो है किचन के वो आ जाते हैं, जो भी डब्बे हैं वो किचन के जो खाना बनाने में यूज़ होते हैं, जो भी मसाले वगैरह हैं वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके ऊपर भी वार्डरोब है, लेकिन ये यूज़ कम आते हैं चूँकि यहाँ पर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इनका यूज हम लोग कम ही करते हैं। और ये हमारा फ्रिज है, ये भी एलजी का ही है, करीब 5-6 साल पुराना है। और ये भगवान जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए, इसको हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। इसके बगल में हम लोगों ने मिरर लगाया हुआ है, छोटा सा मिरर है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे छोटा ही मिरर एडजस्ट हो पाया है। और इसके नीचे कुछ दवाएं हैं, और चूंकि किचन में स्पेस कम है तो वहाँ पे मिक्सी रखा हुआ है जो कि फिलिप्स का है, और एक चॉपर भी रखा हुआ है। उसके अलावा और भी कुछ सामान जो है यहाँ पे हम लोग रखते हैं। इसके बाद ये पूरा मेरा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में हम लोगों ने वो डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है छोटा सा। ये कुर्सियां हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम भी छोटा ही है इसलिए डाइनिंग टेबल ये छोटा लगाने का ही यहाँ पे जगह मिल पाया था। और यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल है,
और यहाँ पे बैठ के मैं अपना एडिटिंग वगैरह करता हूँ, और लैपटॉप से मैं अपने इस स्क्रीन को जोड़ लेता हूँ, इससे मुझे व्यू बड़ा मिलता है। अब मैं चलता हूँ अपने बेडरूम की तरफ। मेरा बेडरूम है कि हम लोग ने अभी बेड परचेस किया नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने सिर्फ मैट्रेस ही परचेस किया, उसी को हम लोगों ने जमीन पे रखा है और उसी पे हम लोग उसी को हम लोग सोने के लिए यूज करते हैं। बाद में फिर जब कभी हम लोग बेड परचेस करेंगे, और ये पर्दे हैं, पर्दा भी हम लोगों ने ऑनलाइन परचेस किया है, और ये खिड़कियाँ खोलने से सामने का ये मकान दिखाई देते हैं, यहाँ से धूप भी काफी अच्छी आती है। और ये देखिए पंखा लगा हुआ है ऊपर, और ये वार्डरोब है, और वार्डरोब भी एक काफी अच्छा वार्डरोब बना हुआ है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक वार्डरोब है। इसमें हम लोग का घर का बहुत सा सामान इसमें हम लोग आ जाता है। वापस चलते हैं। ये मेरा एक बेटा है, अभी स्टडी कर रहा है, उसका रूम मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा उसका रूम। इसमें भी जो बेड है वो सिर्फ जमीन पे बेड ही लगा हुआ है, और उसका भी वो इस रूम में भी जो बेड है, इस रूम में भी बेड नहीं है, तो हमने सिर्फ मैट्रेस को ही जमीन पे लगा दिया है, इसी पे मेरा बेटा सोता है। और यहाँ पे पर्दे हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, और इस यहाँ पे जो खिड़की है उससे घर का जो मेन एंट्रेंस है वो दिखाई देता है बाहर का, और वहाँ पे स्टेयर से कोई आता जाता है वो भी दिखाई देता है, लेकिन इसको हम बराबर बंद करके ही रखते हैं। और ये यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल, और चूंकि जो मेरे मेन बेडरूम में उसमें जगह की कुछ कमी थी, इसलिए हमने ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे लगा दिया, और इस ड्रेसिंग टेबल को हम लोगों ने ओलेक्स पे ही परचेस किया था, क्योंकि हमने सोचा कि जब हम लोग अपना वो रूम ट्रांसफर करेंगे या अपना नए मकान में जाएंगे तो फिर इसको हम लोग सेल कर देंगे, और मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था। और यहाँ पे इस रूम का वार्डरोब है, ये भी वार्डरोब काफ़ी बड़ा है, और ऊपर से लेके पूरे नीचे तक वार्डरोब है, और इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। देखिए इसमें मेरे लड़के का सारा वो बुक्स वगैरह जो है, स्टडी का जितना भी है वो सारा उसमें एडजस्ट हो जाता है, और भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है, और जो कपड़े वगैरह भी हैं वो भी सब इसमें आ जाते हैं। और ये इस रूम का पंखा है, मैं चलता हूँ आपको अपना बाथरूम दिखाता हूँ कि मेरे फ्लैट का जो है बाथरूम वो कैसा है, तभी चलते हैं। यहाँ पे स्पेस काफी कम है, इसलिए बाथरूम भी छोटा ही है वहां पे। ये रहा छोटा सा बाथरूम। यहाँ पे वेस्टर्न ये सीट लगा हुआ है, क्योंकि ये अपार्टमेंट नया था बिल्कुल जब हम लोग यहाँ पे आए थे, इसलिए सब कुछ अभी तक काफी साफ सुथरा है। ये गीजर है, और ये शावर है, और यहाँ पे सारी हम लोग की टॉयलेटरीज यहाँ पे रखी हुई है, जितने भी शैम्पू और साबुन है ये सब यहाँ पे टोटल रखा हुआ है, और इससे एक पार्क का व्यू भी दिखाई देता है, जो बाथरूम का जो विंडो है उससे पार्क का व्यू दिखाई देता है।
और यहाँ पे बाथरूम के जस्ट ऊपर और ड्राइंग रूम के बीच में जो गैपिंग है उसमें काफ़ी स्पेस दिया गया आपको सामान को रखने के लिए, लेकिन चूंकि हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है। ये छोटा वाला बाथरूम है, ये बाथरूम इंडियन स्टाइल का है लेकिन काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि इस फ्लैट में दो बाथरूम है तो इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। दो बाथरूम रहना जरूरी होता है फ्लैट में। तो ये रहा हम लोग का अपार्टमेंट छोटा सा, और ये आशा करता हूँ कि ये आपको आशा करता हूँ कि मेरे अपार्टमेंट देख करके काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी अब तक इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना भूलिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप इसको लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो मुझे और भी इस सब के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा।